राजर्षि परीक्षित, जिसके पास केवल 7 दिन बचे थे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अन्न जल का त्याग दिया और गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। परंतु कभी आपने विचार किया कि हमारे आपके पास कितने दिन हैं? हमारे आपके पास भी 7 ही दिन हैं। 8वां दिन तो कोई होता नहीं, देर आर 7 डेज, केवल 7 दिन ही तो होते हैं सप्ताह के। रविवार से शुरू करो तो शनिवार तक 7 दिन, इसी 7 दिन में हम लोगों को भी जाना है। तो क्या हम लोगों ने निश्चय किया? तो उन्होंने क्या पूछा था कि जिसका जाने का निश्चय हो गया हो उसको क्या करना चाहिए, यही तो पूछा था ना। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, हाँ हमको यही बताइए, योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा। जाना जिसका निश्चित हो गया हो उसको क्या करना चाहिए, यही पूछा था। तो क्या हम लोगों का जाना निश्चित नहीं है? है निश्चित कि कोई डाउट है, कोई संदेह किसी को है तो बात करें फिर। दुनिया में यही एकमात्र निश्चित है, और कोई निश्चित है या नहीं है और किसी चीज की भी गारंटी कोई ले नहीं सकता, लेकिन इसकी गारंटी है कि जाना निश्चित है। यदि अमर होना होता तो कितने असुर, कितने हजार हजार बार तप कर लिए, ब्रह्मा जी से ही तो मांगा था सबने के अमर हो जाए, लेकिन आज तक कोई अमर हो नहीं पाए, ना कोई दे सके। ये तो तय है, तो जाना निश्चित है, किसी का ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा अभी डाउटफुल है, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा अभी निश्चित तो नहीं है। तो हमारा भी निश्चय है तो क्यों ना हम भी कुछ संकल्प ले। हमें भी सोचना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। एक बुद्धिमान लोग वह होते हैं, बुद्धिमान व्यापारी वह होते हैं जो वर्तमान के व्यापार को देखकर भविष्य का भी व्यापार तैयार रखते हैं। अभी तो ठीक से है, मकान जर्जर हो रहा है जिस मकान में रहते हैं, बुद्धिमानी क्या है, मकान गिरने से पहले दूसरा मकान बुक कर दो, है? दूसरा मकान देख लो भाई। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि मथुरा सुरक्षित नहीं है मथुरा वासियों के लिए, यहाँ जरा जरासंध बारंबार अटैक कर, जरा मतलब बुढ़ापा बारंबार अटैक कर रहा है, द्वारिका नगरी बसा दिया के लिए। तो उसके लिए भी चिंतन करना चाहिए, जाना निश्चित है, कंफर्म टिकट है, टिकट कंफर्म है भाई, कंफर्म टिकट है, जाना तो है ही, तो वहां के लिए भी कुछ सोचो ना क्या लेकर जाना है वहां, क्या क्या। एक आदमी कह रहा था कि अब जाना तो हमारा भी निश्चित है, तो मैं सोचता हूं कि जो मुझे यहां उपलब्ध है, गाड़ी मकान परिवार इज्जत प्रतिष्ठा, वो सब वहां कैसे मिले, कंफर्म चाहता हूं, यही सब चीज वहां भी हमको चाहिए, इतना सुख वहां कैसे। अब छोड़ के जाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा कष्ट हो रहा है छोड़कर जाने में, बड़ी मेहनत से हमने सब उपार्जित किया है, सब छोड़ के जाएंगे, लेकिन जहां जाएंगे वहां क्या मिलेगा। तो लोगों ने उसे कहा, वही एक नियम है कि जो आप लेना चाहते हैं उसको देना शुरू कर दीजिए,
प्रकृति का नियम है। आपको इज्जत चाहिए, आप इज्जत देना शुरू कर दीजिए। आपको अपमान चाहिए, अपमान करना शुरू कर दीजिए। आपको सुख चाहिए, सुख बांटना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 आपके पास में सुख आना शुरू हो जाएगा। यहां भी यही होता है, वहां भी यही होता है, परलोक में भी जो आप दिए रहते हैं वहां मिलता है। जैसे कोई आदमी यहां से अमेरिका जाता है तो अमेरिका में आपको घर चाहिए, वहां घर मिलेगा, इसी बात में नहीं मिल जाता है। व्यापार चाहिए, व्यापार मिलेगा। जो संसाधन, गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी। लेकिन उसके लिए वहां चुकाना पड़ेगा आपको मूल्य। क्या चुकाएंगे भाई? यहां का रुपया लेकर जाएंगे, रुपया वहां काम नहीं आएगा। ये रुपया जो इंडियन रुपीस है वो वहां नहीं चलेगा, वो आपको यही जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। वहां डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं टका चलता है, कहीं पाउंड चलता है। अरे अलग कंट्रीज में अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग मनी है। उसी तरह से जब आप स्वर्ग जाएंगे तो वह भी एक अलग कंट्री है साहब, वो भी एक अलग कंट्री है। तो वहां आप यहां का रुपया कैसे चल सकता है? तो क्या करना पड़ेगा? बोले इस रुपया को कहीं देकर वहां जो चलता है उसको कन्वर्ट कर लीजिए भाई। वहां क्या चलता है पता लगा? तो पता लगा वहां पुण्य चलता है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, कहीं आपका जो है यूरो चलता है, कहीं पाउंड चलता है, और कहीं और भी कुछ कुछ चलता रहता है, कई अलग अलग करेंसियां हैं, कहीं क्या दिनार चलता है। उसी तरह से स्वर्ग में पुण्य चलता है, पुण्य। अब जिसके पास जितना पुण्य होगा उसके हिसाब से उनको सुख सुविधा वहां दिया जाता है। ये वहां का सिस्टम यही है। तो आपको पुण्य भुनाना पड़ेगा भाई, और वो पुण्य भी अलग अलग टाइप का होता है। यानी आपको वहां जो जो चाहिए उसका पुण्य अलग अलग होता है। जैसे आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे तो आपको जो है स्पेशल थाली चाहिए तो उसका एक अलग वो टोकन मिलता है, पैसा देकर आप टोकन लेते हैं। फाइव स्टार वगैरह में कहीं जाते हैं आप, पर्ची अलग मिल जाती है। बच्चे आपको वो चाहिए नाश्ते का सामान क्या क्या होता है वो लेंगे तो उसका अलग टोकन, तीन चार टोकन अलग आप लेके आ जाते हैं। अब दूसरे काउंटर पे गए, वहां टोकन दिया और आप आकर बैठ जाइए, आपके पास सारा सामान आ जाता है। तो वो सब जगह अलग अलग चलता है। जैसे वैसे स्वर्ग में क्या चलता है? पुण्य चलता है, अलग अलग पुण्य। सात्विक पुण्य, रजोगुण पुण्य, राजसी तामसी पुण्य, तीनों प्रकार का पुण्य होता है। तो आप भी यहां सब दान करिए, वहां पुण्य लेकर जाएंगे आप। यहां का कुछ वहां चलने वाला नहीं है। ईश्वर का सिस्टम बहुत जबरदस्त है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज जी मैं तो समझता हूं कि ये जैसे मॉल में आप जाते हैं, सुपरमार्केट मॉल में, तो आप घूम करके अपने जो मर्जी आप ले लीजिए, वहां उठा लीजिए, लेकिन बाहर आप अपनी मर्जी से नहीं ले जा सकते। मॉल के अंदर सेलेक्ट तो आप कर सकते हैं, वहां काउंटर पर आपको जमा करना पड़ता है, वो सब सारे बिलिंग करना पड़ता है, बिलिंग के बाद आपको मिल जाता पैकेट करके। उसी तरह एक संसार है, पूरा विश्व, खाइए पीजिए लेन देन करिए सब, लेकर नहीं जा सकते आप। ले जाने के लिए आपको यहां रुपया देकर चुकाना है, बिलिंग करनी पड़ेगी। कोई एकदम उनके उनका कैमरा बिल्कुल सुरक्षित है, यहां वाला आपका सीसीटीवी कैमरा कभी फेल हो जाएगा उसका कभी फेल ही नहीं होता।